प्रतिमा बनाई है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, जिसको लेकर छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति का निर्माण किया है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसमें भगवान गणेश जी को कोरोना को मारते हुए दिखाया गया है। गणेश प्रतिमा बनाने वाले मासूम बच्चों ने बताया कि इंदौर सहित पूरे देश में कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है, जिसके भय से लोग काम पर नहीं जा रहे हैं। साथ ही छोटे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस बीमारी को देश से भगाने के लिए बच्चों द्वारा गणेश जी की मूर्ति मिट्टी छानकर बनाई गई है। उनके हाथों में लड्डू भी दिया गया है। साथ ही कोरोना के गले में गणेश जी द्वारा त्रिशूल से हमला करते हुए दिखाया गया है। इन मासूम बच्चों की आस्था है कि गणेश जी आएंगे तो कोरोना की बीमारी भाग जाएगी। वहीं बच्चों के पिता योगेश नावरे ने बताया कि बच्चों के मन में काफी उत्साह है। गणेश जी के प्रति और मोहल्ले के बच्चों ने मिलकर इस गणेश प्रतिमा को बनाया है। सर घर पे आ जाओ, तुम सर लोग आए। रहवासियों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में हर साल बड़े उत्साह के साथ गणेश जी की स्थापना होती रही है। इस साल भी गणेश स्थापना करने के उनके मन में भाव है, लेकिन प्रशासन कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते पंडाल और गणेश प्रतिमा स्थापित करने से मना किया है। फिर भी एक छोटी सी मिट्टी की गणेश प्रतिमा इन बच्चों के द्वारा बनाकर अपनी आस्था जाहिर की है।